Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. Today in this video we are going to discuss the next chapter of Python for class 11, Computer Science Code 083, Dictionaries. And this is the part 1 video of this chapter. So let us start with the chapter. So students, last humne list aur tuples ke bare mein padha hai. Hamare paas ek aur data type hota hai Python mein, which is dictionaries. So what are dictionaries? Dictionaries are mutable, unordered collection with elements in the form of key value pairs that associate key to the values. Now dictionaries are mutable, unordered collection. जैसे आपने पहले list और tuple के बारे में पढ़ा है, list mutable होती हैं और tuple immutable होते हैं. Means आप list में changes कर सकते हैं but tuple में नहीं कर सकते. तो जब हमने कहा कि डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, मींस डिक्शनरी में हम किसी भी की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. ये कैसे कलेक्शंस होते हैं? अनऑर्डर्ड होते हैं बिकॉज इनमें कोई ऑर्डर नहीं होता, ना ही इसमें कोई इंडेक्सिंग होती है. एंड डिक्शनरी के जो एलिमेंट्स होते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स, और हर एक की एक वैल्यू को लिंक करती है, एसोसिएट करती है. जितने भी आपके की वैल्यू पेयर्स होते हैं, दे आर सेपरेटेड बाय कोमास and enclosed in the curly braces. That is, पूरी डिक्शनरी आपकी curly braces में enclosed रहती है and key value pairs आपके comma से separate रहते हैं. For example, here we have a dictionary named as D, starting curly braces, ending with the curly braces. Curly braces represent करते हैं कि ये एक dictionary है. Then हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास key value pairs होते हैं. So one is a key and A is a value. कॉलम से पहले वाले जो भी आपका नंबर है या कोई भी स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, वो आपकी होती है की, और कॉलम के बाद वाला वैल्यू. सो दिस इज फर्स्ट की वैल्यू पेयर, दिस इज सेकंड की वैल्यू पेयर, एंड दिस इज थर्ड की वैल्यू पेयर. हर की वैल्यू पेयर के बीच में, की और वैल्यू के बीच में कॉलम का साइन है, और हर एक की वैल्यू पेयर के बीच में कोमा है. दैट इज ईच की वैल्यू पेयर इज सेपरेटेड बाय कोमास. One point to be noted in the dictionary is that keys of a dictionary must be immutable. यहाँ पे हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास dictionary में elements किस form में होते हैं, key और value की form में. तो dictionary की जो key होती हैं students, वो हमारी immutable होनी चाहिए, means ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम changes ना कर सकें. और हमारे पास कौन कौन से data type होते हैं जो immutable होते हैं? Integer हो सकता है, string हो सकता है, और हमारा tuple हो सकता है. ठीक है, लिस्ट को हम एज अ की यहाँ पे पास नहीं कर सकते बिकॉज लिस्ट हमारी म्यूटेबल रहती है, राइट? चलिए अब पढ़ते हैं डिक्शनरी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी कि डिक्शनरी के क्या क्या फीचर्स रहती हैं. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज अनऑर्डर्ड सेट. जो हमारी डिक्शनरी होती है स्टूडेंट्स, उसमें की वैल्यू पेयर का कोई इंडेक्स नहीं होता, सो इट इज कॉल्ड एन अनऑर्डर्ड सेट. फॉर एन एग्जाम्पल, ये मेरे पास यहाँ पे अगर मैं एक लिस्ट लेती हूँ, L is equal to 3, 4, 5, 6. तो मुझे पता है कि 3 का index 0 है. Like अगर मुझे check करना है L of 0, तो it will give me 3 because 0 position पे मेरे पास क्या है? 3 है. लेकिन अगर मैं यहाँ पे L नाम से एक dictionary ले लूँ और मैंने इसमें pass किया 1A and 2B, तो यहाँ इसमें indexing नहीं हो सकती है because dictionary जो डिक्शनरी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अनऑर्डर्ड रहते हैं. आई कांट से दैट एल ऑफ जीरो इस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं बिकॉज यहाँ पे वो की एरर मानेगा उसको. ठीक है, तो दिस इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन, दैट इज माय डिक्शनरी. द नेक्स्ट थिंग इज इंडेक्स्ड बाय द कीज. अगर इन ऑर्डर टू फाइंड एनी वैल्यू, वी नीड टू स्पेसिफाई इट्स की इंस्टेड ऑफ नंबरिंग. अगर हमें किसी भी की वैल्यू पता करनी है, तो हम उसमें कोई पोजीशन नहीं दे सकते, नंबरिंग नहीं कर सकते, हमें उसकी की को स्पेसिफाई करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, डी इज़ माय डिक्शनरी, इट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स 1A, 2B, 3C, 3 की वैल्यू पेयर्स. हमने कहा डी 1 मेरी क्या है? इट इज़ माई की, और इसकी वैल्यू क्या है? ए. तो इट विल गिव मी द आउटपुट एज ए. सिमिलरली अगर मुझे 3 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, आई विल से डी, दैट इज़ नेम ऑफ माई डिक्शनरी, एंड ब्रैकेट में की, दैट इज 3, जिसका आपका आउटपुट आ जाएगा सी. सो इस वे यू कैन फाइंड आउट. लाइक अभी मैंने यहाँ एल ज़ीरो किया तो मेरे पास कुछ नहीं आया, तो ये जो है दिस इज माई की. तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ एल ऑफ 1, सो
सो इट विल गिव मी द आंसर एज ए, क्योंकि वन जो मेरी की है उसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, ए है. सेम में अगर मैं एल ऑफ टू करूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, बी. अंडरस्टूड. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इफ सेम कीज आर देयर देन द लेटेस्ट वैल्यू विल बी शोन. क्या मतलब है इसका, कि इफ इन अ डिक्शनरी टू कीज आर सेम एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट इट्स वैल्यू, द लेटेस्ट वैल्यू विल बी शोन एज आउटपुट. आपके सामने स्टूडेंट्स ये डी नाम से एक डिक्शनरी है, यहाँ कर्ली ब्रेसेस रहेंगे. डी फोर अगर आप चेक करते हैं तो देखिए फोर नाम से की मेरे पास यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. एक में इसकी वैल्यू डी है और एक में इसकी वैल्यू एल है. तो जब आप इसमें चेक करेंगे डी फोर, दैट इज नेम ऑफ द डिक्शनरी और ब्रैकेट में हमारी की, तो इसका आउटपुट आपका क्या आया, एल आया. यानी कि अगर एक की आपकी सेम है, एक से ज़्यादा की आपकी सेम है, तो इस केस में आपके आउटपुट में वैल्यू कौन सी आएगी, जो लेटेस्ट होगी, जो आपने बिल्कुल रिसेंटली दी है. सो इस केस में द रिसेंट वैल्यू इज एल, सो इट इज शोइंग यू दैट एज द आउटपुट, राइट. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है डिक्शनरी का स्टूडेंट्स, दैट डिक्शनरी आर म्यूटेबल. म्यूटेबल मीन्स वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ अ सर्टेन की यूजिंग द असाइनमेंट स्टेटमेंट. हम किसी भी डिक्शनरी की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, की वैल्यू को, यूजिंग द असाइनमेंट स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक डिक्शनरी है, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री वैल्यू पेयर्स. यहाँ पे जो टू मेरी की है उसकी वैल्यू आई एम हैविंग एज बी, आई वॉन्ट टू चेंज इट टू ई. मैंने लिखा डी ऑफ टू इज इक्वल टू ई. तो यहाँ पे देखिए जब आप डी को प्रिंट कराएंगे स्टूडेंट्स, तो बी के प्लेस पे आपका क्या आ चुका है, ई. तो इसका मतलब क्या है, डिक्शनरीज आर म्यूटेबल. इट मीन्स आप किसी भी की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, बट दैट की मस्ट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी. ठीक है, अगर वो की नहीं होगी तो वहां पे उसमें एरर आ जाएगा, राइट. और हमने ये भी पढ़ा था कि जब हम डिक्शनरी बनाते हैं तो इसकी कीज इम्यूटेबल होनी चाहिए. तो जब हम कहते हैं डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, इट मीन्स जो वैल्यूज हैं वो म्यूटेबल हैं. वहां पे कीज की बात नहीं हो रही, वहां पे वैल्यूज की बात हो रही है. ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इंटरनली स्टोर्ड एज मैपिंग. डिक्शनरी के अंदर जो की वैल्यू पेयर्स होते हैं, दे आर एसोसिएटेड विद वन अनदर विद सम इंटरनल फंक्शन. वो एक दूसरे से, एक इंटरनल फंक्शन से लिंक्ड होते हैं, एंड दिस वे ऑफ लिंकिंग इज कॉल्ड मैपिंग. इस तरह से जो लिंकिंग होती है इसे हम कहते हैं मैपिंग. ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारे डिक्शनरी के कैरेक्टरिस्टिक्स थे. अब हम आते हैं क्रिएटिंग अ डिक्शनरी विद डिफरेंट मैथड्स. कैसे हम डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं, सबसे पहला मैथड होता है कि हमें एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट करना है. एम्प्टी डिक्शनरी मीन्स ऐसी डिक्शनरी जिसके अंदर कोई भी की वैल्यू पेयर ना हो. तो सिंपली वी कैन राइट इट डी इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस. एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस हमने दिए हैं, इट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स माय एम्प्टी डिक्शनरी. और आई कैन यूज अ डिक्ट फंक्शन. डी इज इक्वल टू डिक्ट. एवरी फंक्शन हैज पैरेंथेसिस इन फ्रंट ऑफ इट. जैसे ही आप डी को प्रिंट कराएंगे यू विल गेट द सेम आउटपुट एज दिस वन, दैट इज एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस, विच रिप्रेजेंट्स कि ये मेरी एक एम्प्टी डिक्शनरी है. ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड है डिक्शनरी को क्रिएट करने का, दैट इज एन एम्प्टी डिक्शनरी. दूसरा मेथड हमारे पास होता है एक नॉर्मल डिक्शनरी बनाने के लिए. तो अभी हमने देखा नॉर्मल डिक्शनरी कैसे बनाते हैं. यहाँ मैंने स्टूडेंट्स एक वेरिएबल लिया एम्प्लॉय, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किए, नेम कॉलन जॉन, सो दिस इज माई फर्स्ट की वैल्यू पेयर, कॉमा सैलरी कॉलन 10,000 सेकेंड की वैल्यू पेयर, कॉमा एज कॉलन 24. ठीक है, सो दिस वे वी हैव एंटर्ड इन दिस डिक्शनरी थ्री की वैल्यू पेयर्स और ये हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है. अगर हमें इसे चेक करना है तो सिंपली हमें अपनी डिक्शनरी का नाम लिखना है एंड इट विल शो अस एज इट इज. मेक श्योर कि जहाँ पे भी आप स्ट्रिंग वैल्यूज यूज कर रहे हैं आप उन्हें डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में एनक्लोज करें, राइट. और थर्ड मेथड हमारे पास है स्पेसिफाइंग द की वैल्यू पेयर्स एज आर्ग्यूमेंट्स इन द डिक्ट फंक्शन. यहाँ पे जैसे हमने ऊपर डिक्शनरी बनाई है सेम हमने नीचे बनानी है. दोनों में ध्यान से आप डिफरेंस देखिए. यहाँ पे हमने डिक्ट फंक्शन का यूज़ नहीं किया था, यहाँ पे हम डिक्ट फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं. और इसके अंदर जो हम की वैल्यू पेयर्स पास कर रहे हैं वो हमारे आर्ग्यूमेंट्स की फॉर्म में पास हो रहे हैं. हमने यहाँ देखिए कॉलन साइन नहीं लगाया, नेम इक्वल टू जॉन लिखा है, सैलरी इक्वल टू 10,000 रखी है और एज इक्वल्स टू 24 रखा है. ठीक है, और डिक्शनरी जब हम कर्ली ब्रेसेस में की वैल्यू पेयर्स लेते हैं तो की जो भी होती है उसमें हम स्ट्रिंग वैल्यू उसमें कोट्स लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नहीं लगा रहे, सिर्फ वैल्यू अगर स्ट्रिंग है तो उसमें लगा रहे हैं. डिक्ट फंक्शन को हम यूज़ कर रहे हैं और जो भी की वैल्यू पेयर हम पास कर रहे हैं उसमें कॉलन के प्लेस पे की और वैल्यू के बीच में आपका इक्वल टू आएगा एंड ओनली द वैल्यूज आर एनक्लोज्ड इन द कोट्स, दैट इज एनी स्ट्रिंग वैल्यू.
जब आप इसे प्रिंट कराएंगे आपके पास आउटपुट वैसा ही आएगा जैसे आपके पास ऊपर आया नॉर्मल डिक्शनरी। क्लियर? तो दिस वे ऑल्सो आप डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट मेथड है स्पेसिफाइंग की वैल्यू पेयर्स एज आर्ग्यूमेंट्स इन द डिक्ट फंक्शन। सेम चीज है, डिक्ट फंक्शन के अंदर हमने ये चीजें ली हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफाई द कोमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर्स। अब इसमें हमने डिक्ट फंक्शन लिया है और डिक्ट फंक्शन लिया है साथ में हमने क्या किया है डिक्शनरी को भी इसमें एड ऑन कर दिया है। यानी कि पीछे जो आप देख रहे थे दिस नॉर्मल डिक्शनरी एंड की वैल्यू पेयर्स एज आर्ग्यूमेंट, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया इन दिस पार्ट। तो यहाँ डिक्ट फंक्शन भी है और हमने डिक्शनरी के फॉर्म में की वैल्यू पेयर्स भी एड किए हुए हैं। तो सेम आउटपुट इट विल गिव अस। देन स्पेसिफाइंग द की सेपरेटली एंड वैल्यू सेपरेटली। हर की जो वैल्यू है वो हम अलग अलग रख लेते हैं, कीज एक फॉर्म में आ गई और जो हमारी वैल्यूज हैं वो एक साथ आ गई। इसके लिए हमें zip फंक्शन को यूज करना होता है। डिक्ट फंक्शन तो हमने यूज किया ही किया बिकॉज डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है, साथ में हमने एक zip फंक्शन को यूज कर दिया। सो दिस इज द ओपनिंग ब्रेस ऑफ डिक्ट फंक्शन एंड लास्ट वाला जो है दिस इज द क्लोजिंग ब्रेस ऑफ द डिक्ट फंक्शन। सिमिलरली ये zip फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आपका एंड हो गया। बाकी ये जो नेम सैलरी एज है ये तीनों हमारी कीज हैं, नेम सैलरी एज और जॉन 10,024, ये तीनों कीज की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं। आप ऐसे भी डाल सकते हैं, कीज और वैल्यूज के बीच में कोमा आएगा। जब आप इसे प्रिंट कराएंगे स्टूडेंट्स तो आपका आउटपुट इसके अंदर सेम आएगा जैसे आपके ऊपर आउटपुट्स आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। ओके, नेक्स्ट इज स्पेसिफाइंग द की वैल्यू पेयर्स इन द फॉर्म ऑफ सिक्वेंसेस। अब उसमें हमने क्या किया, कीज अलग कर दी थी और हमने वैल्यूज अलग कर दी थी। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, की वैल्यू को इकट्ठा ले रहे हैं लेकिन एक सीक्वेंस की फॉर्म में ले रहे हैं। डिक्ट फंक्शन हमने अभी भी लगाया हुआ है, इसके अंदर हमने एक पूरी लिस्ट ले ली। दिस इज माय स्टार्टिंग ब्रैकेट ऑफ लिस्ट, दिस इज माय एंडिंग ब्रैकेट ऑफ लिस्ट। अब ये एक लिस्ट है नेम जॉन, दूसरी एक लिस्ट है सैलरी 10,000 और तीसरी एक लिस्ट है एज 24। तो दिस इज अ नेस्टेड लिस्ट, पूरी लिस्ट में अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो अगेन लिस्ट फॉर्म के हैं और उसके ऊपर लगा हुआ है स्टूडेंट्स डिक्ट फंक्शन। तो जैसे ही आप इसे प्रिंट कराएंगे यू विल गेट द आउटपुट लाइक अ डिक्शनरी ओनली, की और वैल्यू के बीच में कॉलन का साइन और उनके बीच में आपका कोमा का साइन। इस तरह से भी हम अपने डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा आता है नेस्टेड डिक्शनरी। नेस्टेड डिक्शनरी का मतलब डिक्शनरी विद इन अ डिक्शनरी। जैसे आपने नेस्टेड टपल और नेस्टेड लिस्ट के बारे में पढ़ा है, ऐसे ही नेस्टेड डिक्शनरी होती है कि एक डिक्शनरी के अंदर जो दूसरी डिक्शनरी होती है। यहाँ पे हमने एम्प्लॉय नाम की एक डिक्शनरी ली है। हर डिक्शनरी को हम कर्ली ब्रेस से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने की ली जॉन और वैल्यू में देखिए स्टूडेंट्स जनरली हम वैल्यू में एक वैल्यू डालते थे लेकिन यहाँ पे पूरी वैल्यू हमारी क्या है, एक डिक्शनरी है। कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट किया, कर्ली ब्रेसेस पे एंड किया। यहाँ पे देखिए एज 25 सैलरी 20,000, तो ये किसकी है, ये जॉन की है। ठीक है, यहाँ पे इसके दोनों कर्ली ब्रेसेस एंड होंगे, यहाँ पे दो कर्ली ब्रेसेस रहेंगे आपके। देन यहाँ पे दिया है एज 35 सैलरी 50,000। ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस एंड यहाँ पे होंगे। राइट, जब आप इसे प्रिंट कराएंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा। आगे आने वाले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे कि नेस्टेड डिक्शनरी का आउटपुट अगर हमें लेना हो तो हम कैसे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं डी नाम से एक डिक्शनरी ले लेती हूँ, डी इज इक्वल टू हमने यहाँ पे ले लिया जॉन। ओके, अब हमने यहाँ पे नेस्टेड डिक्शनरी पास कर दी। सपोज उसकी एज हमने ले ली एज 35 और हमने उसकी यहाँ पे सैलरी ले ली एज 40,000। ओके, तो ये हमारी क्या है स्टूडेंट्स, नेस्टेड डिक्शनरी। तो अगर मैं सिंपली कहूँ डी ऑफ जॉन, क्योंकि हमें की पास करनी होती है तो इसने मुझे पूरी की पूरी वैल्यू दे दी, दैट इज एज 35 एंड सैलरी 40,000। लेकिन मान लीजिए मुझे जॉन की सिर्फ एज चाहिए, तो व्हाट आई विल राइट, डी ऑफ जॉन और यहाँ पे मैंने लिख दिया एज, तो आई विल गेट माय आंसर ओनली एज 35, क्योंकि एज मेरे पास क्या आ रही है इसकी 35। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इसकी सिर्फ सैलरी चेक करनी है, तो इन दैट केस मुझे यहाँ पे डिक्शनरी का नेम लिखना है,
ब्रैकेट में की पास करनी है जॉन, और उसके बाद मुझे यहाँ पे अनदर की पास करनी है सैलरी। तो सिंपली इट विल गिव मी द आंसर एज 40,000। तो इस तरह से आप नेस्टेड लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, सॉरी नेस्टेड डिक्शनरी के एलिमेंट्स, राइट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स। ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं डिक्शनरी को क्रिएट करने के। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी। इन द डिक्शनरी द एलिमेंट्स आर एक्सेस थ्रू द कीज डिफाइंड इन द की वैल्यू पेयर्स। अगर हमें डिक्शनरी में किसी भी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें डिक्शनरी का नेम लिखना है और ब्रैकेट में उसकी की लिखनी है। लेकिन अगर हम ऐसी की को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं जो डिक्शनरी में प्रेजेंट ही नहीं है, तो स्टूडेंट्स वहाँ हमारे पास एरर आता है, दैट इज़ की एरर। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है आउटपुट में, ये डी नाम से मेरी एक डिक्शनरी है जिसमें 4 की वैल्यू पेयर्स हैं, 1A, 2B, 3C and 4D। इफ आई से D1, तो 1 मेरी की डिक्शनरी में प्रेजेंट है इसलिए मेरा आउटपुट आ गया A। फिर मेरे पास 4 जो की है वो भी मेरी डिक्शनरी में प्रेजेंट है इसलिए मेरा आउटपुट आ गया D। तो हम अगर किसी भी डिक्शनरी की वैल्यू को जानना चाहते हैं तो हमें डिक्शनरी के नेम के साथ ब्रैकेट में की को पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 और 4 मेरे पास थी कीज इसलिए मेरे पास वैल्यूज आ गई। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी की पास कर दूं जो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, देखिए यहाँ पे 5 नाम से कोई की नहीं है बट मैंने यहाँ पास कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, की एरर 5, कि 5 नाम से कोई भी की आपकी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करती है, ओके। सो द टॉपिक वॉज टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी, इट इज़ डन यूजिंग द की। इसीलिए हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था कि जैसे लिस्ट और टपल में हम इंडेक्सिंग करते हैं स्टूडेंट्स, वैसे इंडेक्सिंग हम डिक्शनरी में नहीं कर सकते। अगर हमें किसी भी की वैल्यू पेयर की वैल्यू चाहिए तो हमें उसकी की पता होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज ट्रेवर्सिंग अ डिक्शनरी। ट्रेवर्सिंग का मतलब होता है एक्सेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ इट, वन बाय वन एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना। और इसके लिए हमारे पास फोर लूप होता है जिससे कि हम एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। डी इज इक्वल टू 1A, 2B, 3C and 4D, दिस इज माई डिक्शनरी। फोर लूप लगाया फॉर आई इन डी। आई के प्लेस पे आप कोई भी कंट्रोल वेरिएबल यूज कर सकते हो, A, B, C, X, Y, Z, या की नाम से भी ले सकते हो। प्रिंट आई कॉलन डी ऑफ आई, आई मीन स्टूडेंट्स की, कॉलन का साइन हमने डबल कोट्स में दिया हुआ तो एज इट इज प्रिंट होगा, एंड देन डी ऑफ आई। डी ऑफ आई अभी हमने जस्ट इससे पहले यही टॉपिक पढ़ा कि किसी भी की वैल्यू चाहिए तो डिक्शनरी का नेम और ब्रैकेट में उसकी की पास करते हैं। और आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई एक एक करके सारी कीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो जब ये फोर लूप स्टार्ट होगा, फर्स्ट केस में आई की वैल्यू 1 होगी, वो प्रिंट हो गई, कॉलन का साइन हमने दिया है, उसके बाद डी ऑफ आई मतलब इसकी वैल्यू दैट इज ए। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इज प्रिंटेड, कॉलन का साइन, देन डी ऑफ 2 विच इज बी, सो ऑन। एक एक करके ये सारे की वैल्यू पेयर्स को एक्सेस करेगा एंड इस तरह से हमें आउटपुट देगा इन द इंडिविजुअल लाइंस 1A, 2B, 3C and 4D, ओके। नेक्स्ट इज एडिंग द एलिमेंट्स टू अ डिक्शनरी। कैसे हम डिक्शनरी में एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। न्यू की वैल्यू पेयर कैन बी एडेड इन अ डिक्शनरी यूजिंग द फॉलोइंग सिंटेक्स। नेम ऑफ द डिक्शनरी, ब्रैकेट में की इज इक्वल टू उसकी वैल्यू, इस तरह से हमने देना है। देखो ये मेरी डिक्शनरी है, इसके अंदर ऑलरेडी कुछ एलिमेंट्स हैं। मान लो मुझे एक नया की वैल्यू पेयर इसमें ऐड करना है, तो मैंने की ले ली 5, उसकी वैल्यू दे दी ई। जब आप डिक्शनरी को चेक करोगे, आपने डिक्शनरी का नेम लिखा, एंटर प्रेस किया, तो देखो 4D के बाद 5 इसमें ऐड ऑन हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे आप नए की वैल्यू पेयर को ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, सेम की पास कर देते हैं जो कि हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। तो अगर आप नया की वैल्यू पेयर ऐड करना चाहते हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो की ऑलरेडी एग्जिस्ट ना करती हो। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने 5e तक लिया था, अब मैं दोबारा से अगर दे दूँ D5 इज इक्वल टू P और 5 नाम से मेरे पास की ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट कर रही है, तो सिंपली क्या होगा, उसकी जो प्रीवियस वैल्यू थी E वो चेंज होकर न्यू वैल्यू हो जाएगी जो आपने अभी दी है P, ठीक है। तो अगर आप नया की वैल्यू पेयर ऐड करना चाहते हैं तो आपने ध्यान से अपनी डिक्शनरी को चेक करना है,
कि वो की पहले से एग्जिस्ट ना करती हो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो हम करते हैं, यहाँ पे हम अपडेशन या हम इस चीज को कह सकते हैं मॉडिफिकेशन, कि अगर किसी भी की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हमें उसकी न्यू वैल्यू देनी है, तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। बट न्यू की वैल्यू पर ऐड करना है तो आपको न्यू की और न्यू वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, देन वी हैव डिलीटिंग द एलिमेंट्स फ्रॉम अ डिक्शनरी। अगर हम डिक्शनरी में से किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा सिंटेक्स होता है डेल देन डी दैट इज द नेम ऑफ माई डिक्शनरी एंड ब्रैकेट में की। तो यहाँ पे देखिए मेरी डिक्शनरी है डी, डेल नेम ऑफ माई डिक्शनरी डी एंड ब्रैकेट में की इज टू, जो कि इसमें एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए जब आप डी को चेक करेंगे तो आपके पास 1A, 3C और 4D आ जाएगा, लेकिन 2 की जो वैल्यू है दैट इज बी, ये पूरा की वैल्यू पेयर हमारा डिलीट हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास दो और फंक्शंस होते हैं, पॉप और पॉप आइटम फंक्शन, जिनकी हेल्प से हम एलिमेंट्स को डिक्शनरी में से डिलीट कर सकते हैं। तो वो फंक्शंस के बारे में हम तब पढ़ेंगे जब नेक्स्ट वीडियो में हम सारे फंक्शंस के थ्रू गो थ्रू करेंगे। ठीक है, और अगर हम डिक्शनरी में से कोई की वैल्यू पेयर रिमूव करना चाहते हैं तो हमारी वो की एग्जिस्ट करनी चाहिए, अदरवाइज की एरर आएगा। लाइक मेरे पास यहाँ पे डिक्शनरी में 1A, 2B, 3C, 4D है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा डेल डी 5, लेकिन 5 नाम से कोई की मेरी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करती, तो व्हाट इट विल शो मी, वो मुझे शो करेगा की एरर। देख रहे हैं आप यहाँ पे की एरर आ रहा है, की एरर 5। ओके, सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर आप पूरी डिक्शनरी को ही डिलीट करना चाहते हैं सो सिंपली यू हैव टू राइट डाउन डेल एंड द नेम ऑफ द डिक्शनरी। जैसे कि स्टूडेंट्स मेरे पास अगर मैं अभी डी को चेक करूं तो मेरे पास डी नाम से ये डिक्शनरी है, अगर मैं सिंपली कह दूं डेल डी तो मेरी पूरी डिक्शनरी अब डिलीट हो चुकी है। अब अगर मैं चेक करूं डी में कुछ है तो ये कह देगा नेम एरर, डी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिक्शनरी को हम क्या कर चुके हैं, डिलीट कर चुके हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज चेकिंग फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ की इन अ डिक्शनरी। अगर हमें कभी ये चेक करना हो कि हमारी डिक्शनरी में कोई पर्टिकुलर की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास दो ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स इन एंड नॉट इन। अगर हम इन ऑपरेटर का यूज करते हैं एंड दैट की इज प्रेजेंट विल गिव अस ट्रू, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो फॉल्स, और नॉट इन अपोजिट देगा। लेकिन ये सिर्फ स्टूडेंट्स कीज को चेक करेगा, वैल्यू पे चेक नहीं करता है। जस्ट मेक श्योर ऑफ दिस थिंग। सपोज मेरे पास ये डिक्शनरी है 1A, 2B, 3C, 4D, 4 की वैल्यू पेयर्स, मैंने कहा 1 इन डी, तो हम चेक करेंगे क्या इस डिक्शनरी डी के अंदर 1 की है, यस इट इज देयर, सो माय आंसर विल बी ट्रू। मैंने कहा बी इन डी, क्या बी मेरी की इसमें एग्जिस्ट कर रही है। आप देखिए स्टूडेंट्स बी नाम से मेरे पास वैल्यू तो है लेकिन मेरे पास की नहीं है, तो ये किसको चेक कर रहा है, की को ही चेक करेगा, की भी नहीं है इसलिए माय आंसर विल बी फॉल्स। ओके, फिर मैंने कहा 1 नॉट इन डी, कि 1 डी में नहीं है, बट 1 तो डी में है सो माय आंसर विल बी फॉल्स। फिर मैंने कहा बी नॉट इन डी, बी डी में की फॉर्म में नहीं है, और ये की को ही चेक करता है, और बी डी में नहीं है की फॉर्म में, दैट इज वाई माई आंसर इज ट्रू। ओके, so students with this we have covered the part 1 video of this chapter. In the next video we will discuss about all the functions of the dictionary. I hope aapko ye topics clear ho gaye honge. In case you are having any doubt in any of the topics you can ask me in the comment section, and the join button has been enabled on my channel. You can, if you want, you can get special access to the perks which are there. I will meet you in my next video with the another topic, another part of this video. Till then, have a good day and thank you.